नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए नतीजे आ गए हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अब परिणाम साफ हो गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी के साथ बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत राज्यसभा पहुंच गए हैं। राजस्थान राज्यसभा विधानसभा में सुबह 9 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 4 बजे तक चली। कुल 200 विधायकों में से 198 ने वोट डाले। स्वास्थ्य कारणों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल और डूंगरगढ़ से CPM विधायक गिरधारी लाल मतदान नहीं कर सके। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी पिछले कुछ समय से दलित चेहरे के रूप में उभर कर राज्य में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। नीरज डांगी को पारिवारिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। अपने युवा काल से ही नीरज डांगी ने यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2002 में राजस्थान यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर में कदम रखा। केसी वेणुगोपाल केरल के रहने वाले हैं। KG अल्फोंस के बाद 2 साल में ये दूसरा मौका होगा जब केरल के किसी नेता को राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे हैं। वेणुगोपाल छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद गुरु गोपाल केरला स्टूडेंट यूनियन और यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट बने। 1996, 2001 और 2006 में 3 बार विधायक बने। 2009 से 2019 तक केरल की अलपूजा सीट से सांसद रहे। UPA 2 में ऊर्जा और सिविल एविएशन मंत्री का पदभार संभाला। 2017 में वेणुगोपाल को AICC का महासचिव बनाकर कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई और अशोक गहलोत के पद छोड़ने के बाद उन्हें संगठन महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई। बात बीजेपी की करें तो राजस्थान से एक ही प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सका। कई दावेदारों को पछाड़कर संघी निष्ठ राजेंद्र गहलोत राज्यसभा पहुंच गए हैं। राजेंद्र गहलोत का बीजेपी पर संघ की पकड़ आज भी मजबूत है। 1977 में सोजत से पहला चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखने वाले राजेंद्र गहलोत 1980 से लेकर 1986 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जहां उन्हें राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र जैसे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। 1990 में सरदारपुरा सीट से कांग्रेस की माना सिंह देवड़ा जैसे दिग्गज को हराकर चर्चा में आए राजेंद्र गहलोत इसी सीट पर 2008 में अशोक गहलोत से हार गए थे। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा से 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी हार हुई वो बीजेपी प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।